तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं इसी के आगे का कंटिन्यूएशन टॉपिक, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अभी आपको रिजोनेंस बताया, अब हाइपर कंजुगेशन, ये भी रिजोनेंस की तरह होता है। सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, बेकर एंड नेथन। इन्होंने क्या किया कि ये कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या है, उसको बताने के लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म दी। ये कार्बोकेटायन मैंने बना लिया। ठीक है, अब ये कार्बोकेटायन मैंने बनाया, इसमें इन्होंने ये कहा कि ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। एक चीज आप और समझिए कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन का होना, ये सब कंपाउंड को अनस्टेबल करता है। और ये दुनिया में जितनी भी रिएक्शन हो रही है, ये क्यों हो रही है, जिससे कि कंपाउंड आपका स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब ये कार्बोकेटायन है, इसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी की न्यूट्रल कंपाउंड की है। तो बेकर एंड नेथन ने कहा कि इसके चार्ज को, इस कार्बोकेटायन के चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए, फैलाने के लिए, हटाने के लिए, यहां से इससे जो अल्फा कार्बन होता है उस पे जो आपके हाइड्रोजन अटैच होते हैं, जो ग्रुप अटैच होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और यहां पे बॉन्ड बनता है और ये चार्ज यहां से खत्म हो जाता है। और जैसे ही चार्ज खत्म होएगा और आपका कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। तो अगर ये, इसमें तीन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस कार्बोकेटायन से आपके ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन क्या होता है, जो कि नेक्स्ट आपका, इससे जो बिल्कुल अगला वाला जो कार्बन होता है, जो भी रिएक्शन सेंटर होता है, रिएक्शन सेंटर जहां पे रिएक्शन होगी, जहां पे रिएजेंट आपका अटैक करेगा, उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो आपका अल्फा होता है। ठीक है, अब ये अल्फा कार्बन से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो आपके चार्ज को डिस्पर्स करेंगे। तो तीन हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से यहां पे इसने ये अगर देगा तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया इसने और एक ऐसे बन जाएगा। चांसेस ये भी है कि ये भी दे सकता है ना। अगर ये देता है तो इस तरीके से बनेगा। और एक चीज और ध्यान में रखें कि कार्बन की चार वैलेंसी होती है, तो जब भी स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन में चार से ज्यादा आपके बॉन्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, और तीसरा एक ये वाला देगा, और जब जो हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन देगा उसके साथ बॉन्ड नहीं बनेगा। आपने एक चीज गौर करी, मैंने यहां पे बॉन्ड नहीं बनाया, इसके बीच में भी खाली है, इसके बीच में भी खाली है, इसके बीच में भी खाली है, बट तीनों हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन देने के चक्कर में इनके बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा है। इसीलिए इस हाइपर कंजुगेशन को हम कहते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। मींस जितने ज्यादा आपके ये स्ट्रक्चर बनेंगे, दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। जितने पॉसिबल अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो आपके हाइड्रोजन है वो आपके देंगे इलेक्ट्रॉन, और जितने स्ट्रक्चर बनेंगे वो आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कहलाएंगे और उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा, है ना, अगर हम ध्यान से देखें। इसीलिए हम इनको नो बॉन्ड रिजोनेंस कहते हैं। और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतना कंपाउंड आपका स्टेबल होता चला जाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें तो ये हाइपर कंजुगेशन और रिजोनेंस में क्या फर्क हुआ, भाई रिजोनेंस भी स्टेबिलिटी बता रहा है। हम कह रहे हैं जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। हाइपर कंजुगेशन भी यही कह रहा है, जितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतना कंपाउंड आपका स्टेबल होता चला जाएगा। बट हाइपर कंजुगेशन स्पेशली आपका कहां देखा जाता है, जहां पे कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ आपके अल्फा कार्बोकेटायन हो, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, या फिर आपके इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां उस केस में उस चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन आएंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्टेबिलिटी देंगे। बट रिजोनेंस में क्या था, रिजोनेंस में हम ये देख रहे थे कि जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, मींस कि एक कंपाउंड उसकी पूरी प्रॉपर्टी को नहीं दिखा रहा था, तो हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बना रहे थे। यहां पे हम इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं, ये घटना कर रहे हैं। बट रिजोनेंस में वो स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहा है तो दूसरा बना रहे हैं, तीसरा बना रहे हैं। यहां पे इस चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए, कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए हम हाइपर कंजुगेशन कर रहे हैं। अब एग्जाम में तुम्हें कैसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि चार पांच कंपाउंड आपके सामने रख दें और कहें कि कौन सा ज्यादा आपका स्टेबल है। एक तो मैं ये बना दूं, सपोज
देखो कार्बन की चार वैलेंसी होती है, तो सेटिस्फाई करना भी सीखो इसको। जैसे कार्बन दो ये हो गए तो हमने दो हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, कार्बन एक दो तीन चार एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, यहाँ दो लगा दिए क्योंकि इसके पास दो बॉन्ड थे, यहाँ पे हमने तीन लगा दिया। एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया फर्स्ट, ठीक है। एक मैं इसको यहां डबल बॉन्ड ले लू, ठीक है, ये तीन थे ना तो एक लगाया मैंने, ये यहां एक लगाया। अब कैसे पता लगाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो फर्स्ट लोकेट द रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर को पता लगाओ कि कौन सा रिएक्शन सेंटर है। अब पता कैसे चलेगा, जहां पे आपका पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड है, तो यहां पे ये आपका एक पाई बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ये रिएक्शन सेंटर हो गया, यहां पे रिएक्शन होगी। इसमें देखिए ये आपका रिएक्शन सेंटर होगा, यहां पे रिएक्शन आपकी होगी, तो ये रिएक्शन सेंटर हमने पता लगा लिए। अब रिएक्शन सेंटर से नेक्स्ट कार्बन जो है वो आपके अल्फा कार्बन, ठीक है। तो ये इस नेक्स्ट कार्बन ये भी हो गया, नेक्स्ट कार्बन ये भी हो गया, तो यहां पे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहां से ये रिएक्शन सेंटर होने की वजह से सिर्फ नेक्स्ट कार्बन इसके पास एक ही है, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है दो, और अगर मैं इसके अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके पास है छह। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना कंपाउंड आपका स्टेबल होता चला जाता है। तो इस तरीके से हम अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करके पता लगाते हैं कि कितना कंपाउंड आपका स्टेबल होगा, उतने ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा है कि अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि जितने यानी कि दो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि दो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए सज है। यहां पे भी छह हाइड्रोजन आपके इलेक्ट्रॉन देने के लिए सज है, सक्षम है, राइट। तो इस तरीके से उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतना कंपाउंड आपका स्टेबल होता चला जाएगा। तो हाइपर कंजुगेशन से भी हम पता लगाते हैं। अच्छा एक चीज और आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। तो इस तरीके से दो पोल बन रहे हैं, राइट। तो दो पोल बन रहे हैं, एक पॉजिटिव पोल बन रहा है, एक नेगेटिव पोल बन रहा है, तो उसकी वजह से जो इनमें मूवमेंट आएगा दैट इज कॉल्ड द डायपोल मूवमेंट, है ना। तो ये आपका डायपोल मूवमेंट होता है, और ये डायपोल मूवमेंट क्रिएट होने की वजह से ही रिएक्शंस होती हैं, तभी तो अटैकिंग रिएजेंट आएगा, रिएक्शन करेगा, है ना। इस तरीके से अगर आपका हाइपर कंजुगेशन और रिजोनेंस दोनों को साथ साथ लें तो रिजोनेंस इफेक्ट आपका ज्यादा स्टेबिलिटी देता है कंपैरेटिव टू द हाइपर कंजुगेशन। मतलब जैसे आपके सामने तीन चार स्ट्रक्चर रख दिए, एलाइल रख दिया, विनाइल रख दिया, विनाइल क्या होता है ये वाला को, है ना, सपोज, ठीक है, एलाइल रख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में एलाइल एंड विनाइल अगर हम कंपाउंड लें, ये आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं कार्बोकेटाइन या इन तरीके से कंपाउंड से, क्यों, क्योंकि इनमें आपका रिजोनेटिंग रिजोनेंस इफेक्ट आपका ज्यादा होता है। तो रिजोनेंस और अगर हाइपर कंजुगेशन दोनों को कंपेयर करें तो रिजोनेंस इफेक्ट आपका ज्यादा डोमिनेट करता है हाइपर कंजुगेशन। अगर किसी कंपाउंड में रिजोनेंस इफेक्ट लग रहा है तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, और किसी कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन लग रहा है स्टेबिलिटी वो भी देगा लेकिन वो रिजोनेंस वाले से ज्यादा नहीं देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज भी समझेंगे कि दोनों में से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। रिजोनेंस जो है वो आपका कंपाउंड को ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, मोर द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। हाइपर कंजुगेशन में भी यही है, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी स्टेबिलिटी, बट ये रिजोनेंस इफेक्ट इसको डोमिनेट करता है, उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है, उससे ज्यादा कारगर होता है, ठीक है। तो ये आपके इफेक्ट हैं जिनसे कि आपका रिएक्शन सेंटर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इधर से उधर जाती है और हम रिएक्शन को करा पाते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हम ये बता पाएंगे कि हम कितने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और किस तरह हम अपने प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ा सकते हैं,
क्यों कर रहे हैं सब रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि किस तरह हम किसी इंडस्ट्री में, किसी भी औद्योगिक संस्थान में कि कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं तो मेन एम क्या होता है कि हम किस तरीके से ज्यादा उसकी यील्ड दें, ठीक है, और कितने तरह के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाएं। तो वो कैसे बनेंगे अगर हमें ये पता होगा कि किस तरीके से हम अपने सबस्ट्रेट पर रिएजेंट को कैसे कैसे अटैक करा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड टूटता कैसे है, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, ठीक है। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, मैं ऐसे ही ले लेती हूं, है ना, ए बी, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, सिंगल बॉन्ड है तो मैंने आपको बताया था कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके शेयर होंगे, ठीक है। तो ये तीन तरीके से आपका टूट सकता है, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए और बी अपने साथ एक एक लेके चला जाए, इक्वल बंटवारा हो गया दोनों में, ठीक है, कि आधी जायदाद तू ले ले, आधी जायदाद मैं ले लेता हूं, ठीक है। और या फिर इनमें से ये सेल्फिश हो जाए और इसने पूरी की पूरी जायदाद अपने पास रख ली, या फिर ये इसने पूरी की पूरी जायदाद अपनी बी ने अपने पास रख ली। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर इनको हम इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करें, इनको तोड़े, कैसे कैसे ये आपके इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगर ये इक्वली आपके ए आधी जायदाद रख लेता है, आधा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये रख लेता है, तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इक्वल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं होमो। लाइटिंग मीन्स आपका फिशन टूटना, होमोलाइटिंग मतलब कि दोनों के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इसको बोला गया हिट्रोलाइटिक फिशन। हिट्रो मीन्स डिफरेंट, फिशन मीन्स टूटना। तो अगर इस तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो होमोलाइटिक फिशन, और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो आपका कहलाता है हिट्रोलाइटिक फिशन। अब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चलते बने अपने रास्ते में, बट ये सोचने वाली बात है कि इन पे किसी का कोई भार नहीं है, है ना, तो ये दोनों फ्री हो गए, हमने इक्वल वो करा, किसी के ऊपर कोई किसी तरीके की बाउंडेशन नहीं, कोई किसी तरीके का आभार नहीं, तो यहां पे इसीलिए हम इनको कहते हैं फ्री रेडिकल, फ्री, ये फ्री है भाई, राइट। और यहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिसने लिया उसको तो नेगेटिव फीलिंग आ गई भाई कि मैंने ये लिया है ना, और इसने दे दिया, इसने कहा ठीक है भाई तू रख ले, मैं एक बार पॉजिटिव फीलिंग आ गई, मैंने तुझे दिया, राइट। ये चीज यहां पे इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, तो जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपके बने तो हिट्रोलाइटिक, मतलब कि दो आपके डिफरेंट तरीके के चार्जेस बने, तो उनको हमने बोला, जिन पे माइनस चार्ज आया उनको हमने कहा, माइनस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एनायन, कार एनायन, और पॉजिटिव के लिए हम यूज करते हैं कार्बो कैटायन। अब तुम्हें एक चीज और बताएं कि आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो कार्बो जो कैटायन है, और एक कभी कभी आपको अपनी बुक में देखने को मिलता है कार्बोनियम आयन, बताओ कौन सी टर्म ज्यादा सही है। अब नई बुक में हम इनको कार्बो केटायन ही पढ़ते हैं, कार्बोनियम आयन नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? ये क्या है कार्बोनियम, ओनियम, ओनियम सफिक्स, अगर बाद सफिक्स में मतलब जो बाद में लगा है, ओनियम सफिक्स आपका यूज होता है एक्स्ट्रा कोवेलेंसी के लिए, ठीक है। जैसे अमोनियम आपने सुना है ना, अमोनियम, अमोनियम में तो एक एक्स्ट्रा है, बट यहां पे तो कम है इसके पास ना इलेक्ट्रॉन, इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहां पे ही एक्स्ट्रा कोवेलेंसी के लिए ओनियम सफिक्स पीछे वाला यूज करते हैं, तो इसीलिए इस टर्म को हम आजकल यूज नहीं करते, हम इसके चार्ज को देख के हम यूज करते हैं कार्बो केटायन पॉजिटिव केटायन, कार्बोन कार्ब एनायन नेगेटिव आयन, तो ओनियम आप ना इसको यूज करें। ऑल्दो आपको पुरानी बुक्स में कार्बोनियम वर्ड भी दिखेगा, बट ओनियम सफिक्स इज यूज ओनली फॉर द एक्स्ट्रा कोवेलेंसी, अगर एक्स्ट्रा कोवेलेंसी है वहां पे, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, इसके पास तो कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। तो तीन तरीके के जब बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास बने कार्बो केटायन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल, ये तीन मेनली बनते हैं, और भी बहुत सारे आपके कोर्स में कार्बीन नाइट्रीन, है ना, पहले ये तीन हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फ्री रेडिकल। अच्छा, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि फ्री रेडिकल और कार्बो केटायन भाई भाई है,
जो इसकी क्वालिटी है वो फ्री रेडिकल की क्वालिटी है। और ये बेचारा नेगेटिव वाला, अब इसने लिया है कि कुछ इलेक्ट्रॉन लेके चलता बना है, सारा जायदाद लेके चलता बना है, तो ये अकेला है, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी, इसकी क्वालिटीज अलग हैं और इन दोनों की, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल की क्वालिटीज सेम आपकी होती है। तो स्टार्ट करते हैं विद द कार्बोकेटायन, क्योंकि जैसा कार्बोकेटायन है वैसा ही आपका फ्री रेडिकल है। तो कार्बोकेटायन स्टार्ट करते हैं। कार्बोकेटायन तो अगर सबसे ज्यादा इसमें हम सबसे पहली चीज पढ़ते हैं कार्बोकेटायन, तो आपको पता चल गया कि जिसके पास आउटर शेल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, अगर ये कार्बोकेटायन टर्शरी ले लें, टर्शरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड प्राइमरी कार्बोकेटायन, और एक मिथाइल भी ले लेती हूं, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटायन है, इस ये किस बेस पे हम बताते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके के होते हैं, प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, माइनस जो कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब यहां अगर हम टर्शरी में देखें, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी एंड मिथाइल, तो यहां इसमें टर्शरी कार्बोकेटायन में तीन मिथाइल ग्रुप हैं। मिथाइल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट होता है और वो इलेक्ट्रॉन यहां पे देते हैं, ठीक है। यहां इस सेंट्रल कार्बन पर तीन इलेक्ट्रॉन यहां पे आपके तीन साइड से चलते आ रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन चला, यहां से इलेक्ट्रॉन चला, यहां से इलेक्ट्रॉन चला, और इसके पास था पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए, फैलाने के लिए यहां पे इनफ इलेक्ट्रॉन है। इसके केस में ले, यहां से इलेक्ट्रॉन चले, यहां से इलेक्ट्रॉन चले, तो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज को फैलाने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए, क्योंकि हर एक कंपाउंड ये चाह रहा है कि उस पर कोई चार्ज ना हो, है ना, वो न्यूट्रल होना चाहता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब यहां से एक तरफ से इलेक्ट्रॉन चले और इसमें तो चले ही नहीं। अब क्या देख रहे हैं कि यहां से तीन तरफ से आपके इलेक्ट्रॉन चले इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए। तो इन चारों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा इसका, टर्शरी का, तो ये सबसे ज्यादा आपका स्टेबल होता चला जाएगा इस कंपैरेटिव टू सेकेंडरी, कंपैरेटिव टू प्राइमरी एंड कंपैरेटिव टू मिथाइल। तो इसमें क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा डिस्पर्स है, यही केस जैसे मैंने आपको बताया कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल दोनों भाई भाई हैं। तो यहां पे फ्री रेडिकल के केस में क्या होगा, अगर आप फ्री रेडिकल लें, तो यहां पे आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की तो अभी भी कमी है आपके, है ना। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी, यहां तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसको कमी को पूरा करने के लिए, है ना। तो यहां पे भी आपका जो, क्योंकि इसको डिस्पर्स करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, है ना, तो वो आपको इलेक्ट्रॉन यहां से इसको बड़े आराम से मिल रहे हैं, ज्यादा चांसेस है मिलने के। तो ये भी आपका टर्शरी जो आपका फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब कहने का ये है कार्बोकेटायन में लास्ट ऑर्बिटल में आपके एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहां पे एक भी नहीं है। फ्री रेडिकल के केस में यहां पे एक आ जाता है, लेकिन तब भी कमी तो है ही ना। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं, ये कंपाउंड ये चाहते हैं कि ये उस कमी को पूरा करे, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल के इसको पूरा करते हैं। तो जितने ज्यादा चांसेस बनते चले जाते हैं कंपाउंड आपका उतना स्टेबल होता चला जाता है। तो इस तरीके से आपका ये फ्री रेडिकल जो है वो भी वही स्टेबिलिटी शो करता है जो कि आपका कार्बोकेटायन करता है। अगर हम यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन ले लें, इसके केस में क्या होता है, ठीक है,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और दोबारा से अगर मैं इसको और अच्छे से आपको बना रही हूं, ठीक है, ठीक है। अब इसके केस में अगर हम देखते हैं तो यहां पे फिर वही सीएसटी ग्रुप पे माइनस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन चले यहां से चले यहां से चले, और इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। कार्बन आयन में हम जैसे देख रहे हैं कि इस सेंट्रल कार्बन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। अब टर्शरी के केस में, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये मिथाइल है, टर्शरी के केस में क्या हो रहा है कि यहां तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन चल रहे और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेंट्रल कार्बन पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी आपकी कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो आपका कार्बोकेटाइन से रिवर्स है। जैसे मैंने आपको अच्छे से कार्बोकेटाइन समझाया, सेम वही चीज है, यहाँ पे दो तरफ से इलेक्ट्रॉन चले, ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में स्टेबल है। यहाँ पे एक तरफ से चले, ये उससे ज्यादा है, और इसमें कहीं से भी नहीं जा रहे, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो रहने देते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को डिस्पर्स करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को डिस्पर्स करता है, तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी टर्शरी की कम हो जाती है, क्योंकि अकुमुलेशन ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो बहुत सारे नेगेटिव नेगेटिव होके स्टेबिलिटी को घटाते हैं। तो इस तरीके से हमारी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल अगर हम देखें तो कार्बोकेटायन में टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, कार्ब और फ्री रेडिकल में दोनों के भी सेम सेम केस है, और इसके केस में ये आपका प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब अगर हम इनको ले हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो जो आपका कार्बोकेटायन है एंड फ्री रेडिकल, इन दोनों में आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एंड कार्ब एनायन में आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहां पे ये चीज आप देखें कि sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी हम इनकी ज्योमेट्री को बता पाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इनकी जो ज्योमेट्री है वो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन मींस जिसमें कि आप एक, जब भी कोई एटम होता है उसमें एस ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं, ये सब आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा। एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल है ना, पी डी डबल डम्बल, राइट, इस तरीके से। तो आप ये जहां पढ़ते हैं वहां पे आप ये जब ये कंबाइन करते हैं sp से करता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसमें उसका कौन सा लोब आपका हाइब्रिडाइज कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, उस हिसाब से हम इनको sp sp2 sp3 इस तरीके से नाम देते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये चीज आप ध्यान में रखें कि इनकी ज्योमेट्री भी, जो कार्बोकेटायन है और जो फ्री रेडिकल है, वो दोनों की ज्योमेट्री सेम होगी। जो कार्बन आयन है उसमें आपकी ज्योमेट्री थोड़ी सी अलग होगी। अच्छा, यहाँ पे जब हम ये पढ़ रहे हैं कि कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये चीज और भी ध्यान रखें कि जब ये जो इंटरमीडिएट्स है, दीज आर द इंटरमीडिएट्स नॉट द ट्रांजिशनिस्ट, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट्स आपके बनते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंड वी कैन आइसोलेट दिस इंटरमीडिएट, हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं, इनकी ज्योमेट्री को बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये अपना पूरा प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम इनके डिफरेंट जो आपके इंटरमीडिएट बने कि इनकी स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी के थ्रू ही आप इन पे कोई भी रिएजेंट का अटैक करा सकते हैं। कोई भी कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्शन करने में उतनी मुश्किल करता है ना, क्योंकि हर एक कंपाउंड स्टेबल है, तो वो ये नहीं चाहता कि मैं किसी के साथ रिएक्शन करूं, और इसीलिए वो रिएक्टिव आपका कम होता चला जाता है। और जैसे जैसे आपकी उनकी रिएक्टिव, अगर वो अनस्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी उसी हिसाब से इंक्रीज होती चली जाती है, और कंपाउंड जो है आपका अनस्टेबल होता चला जाता है। तो ये तीन तरीके के इंटरमीडिएट आज आपने पढ़े, और हाइपरकंजुगेशन पढ़ा, रेजोनेंस पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा। तो इस तरीके से ये इफेक्ट्स हैं, ये इंटरमीडिएट्स हैं जो रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं। और मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट जो हैं उनका समय काल, उनका लाइफ स्पैन जो है फ्यू नैनो सेकेंड से लेके
मंथ्स तक भी होता है, बट आप ट्रांजिशन स्टेट जो बीच में बनती है जिसमें कि बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, वो आपके उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो इंटरमीडिएट से बहुत कम होता है, 1 vibrational second, बस जितनी देर में वो एक वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट होके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, बस इतना ही उनका लाइफ स्पैन होता है। तो इसीलिए हम ज्योमेट्री इंटरमीडिएट की पढ़ते हैं, ट्रांजिशन स्टेट की नहीं पढ़ते। और जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट रखकर और एक हैश का साइन लगा के हम इस तरीके से आपको दिखाते हैं। अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो इस तरीके से आपका दो इंटरमीडिएट वाला एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। सपोज यहां पे दिस स्टेज एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, हेयर ट्रांजिशन स्टेट एंड हेयर इज द इंटरमीडिएट। इससे और आपको अच्छे से समझ में आएगा, दिस इज एनर्जी कोऑर्डिनेट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखिए ये जितने ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पे भी बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, बट इसका लाइफ स्पैन इससे ज्यादा होता है। और इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हमें कैसे पता चलता है, डीपर द वेल, जितना ये अंदर की तरफ डीप होता चला जाता है, गहरा होता चला जाता है, उतना आपका इंटरमीडिएट स्टेबल होता चला जाता है, यानी उसकी लाइफ स्पैन फ्यू नैनो सेकेंड होगी या मंथ होगी, वो इससे आप पता लगा सकते हैं। अगर इन दो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ये ऊपर है ये आपकी नीचे, तो ये ज्यादा स्टेबल है ट्रांजिशन स्टेट, ये आपकी कम स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है, और यहाँ पे आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ले लें तो इसको भी समझे, यहां से आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई, दिस इज द रिएक्टेंट, और यहां पे होते हैं आपके प्रोडक्ट। तो ये नीचे की तरफ बनाया ना मैंने, वो इसलिए बनाया कि प्रोडक्ट्स जो रिएक्शन होती हैं वो अधिकतर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, तो प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपके ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से, तो यहाँ ये इसलिए मैंने नीचे की तरफ बनाया, जितना नीचे की तरफ चलता चला जाता है उतना आपका स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, तो प्रोडक्ट आपके हमेशा होंगे तो नीचे की तरफ होंगे। जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इस तरीके से बनेंगे, और जो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ बनाते हैं ऐसे, तो ये आपका बन रहा है हेयर प्रोडक्ट, ये जो दो हम्प है जो दो पहाड़ जैसे दिख रहे हैं ये आपके ट्रांजिशन स्टेट है, दो तरह की बन रही है, यहाँ पे इंटरमीडिएट सपोज बन रहा है और यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल देन द रिएक्टेंट, तो ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और आपको एक बात बताएं कि जितनी भी आपकी रिएक्शंस होती हैं मोस्टली ये जाती हैं कि रिएक्शन क्यों कर रही है, जो प्रोडक्ट बने वो आपके स्टेबल बने, तो इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो आपकी ज्यादा देखने को मिलती हैं, ज्यादा होती हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती हैं वो आपकी लेस अकरिंग होती है, कम होती है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आपके लेस स्टेबल बनते हैं। और ये कहां बनती है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जहां पे आपके सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इस तरह की रिएक्शंस आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इनमें आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, और हर एक कंपाउंड ये चाहता है कि उसके प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल हो, ठीक है।